नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली RCB के ऊपर। दोस्तों, RCB टीम को IPL 2021 में अपना दूसरा मुकाबला जो है आज ही खेलना है। हैदराबाद के सामने मुकाबला होने वाला है। हैदराबाद यानी कि कप्तान डेविड वार्नर और दोस्तों RCB टीम यानी कि कप्तान विराट कोहली जो है आज मुकाबले में आमने सामने होने वाले हैं। RCB की टीम यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत नज़र आ रही है क्योंकि इस टीम में फिलहाल जो है मैक्सवेल अच्छे फॉर्म में है, ABD अच्छे फॉर्म में। इसके अलावा दोस्तों इस मैच में देवदत्त पड्डीकल भी वापसी करने वाले हैं जो कि RCB टीम को अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं ओपनिंग करते हुए। इसलिए दोस्तों RCB टीम भी यहाँ पर बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रही है। वहीं सबसे मेन बात यह है कि RCB टीम के गेंदबाजों ने वहाँ पर पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की है और कसी हुई गेंदबाजी की है। मुंबई इंडियंस के सामने जो RCB टीम ने शानदार गेंदबाजी की, जहाँ पर दोस्तों हर्षल पटेल ने इस मैच में 5 विकेट हासिल किए थे, वहीं दोस्तों मोहम्मद सिराज और काइल जेमिसन ने भी शानदार गेंदबाजी थी। इसके अलावा चहल का फॉर्म थोड़ा सा ढीला रहा है, मगर चहल भी वापसी करना जानते हैं, वो शायद इस मैच में वापसी कर लेंगे और RCB टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हुए भी हमें दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर RCB टीम इस मुकाबले में जो है एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ में मैदान पर उतरना चाहेगी। कुछ ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ एक बदलाव हो सकता है, पड्डीकल की इस मैच में वापसी हो सकती है। वहीं दोस्तों इस मैच से पहले माइक हेसन ने RCB टीम के लिए 2 बड़ी खुशखबरी दी है। तो क्या है खुशखबरी, इसको लेकर सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ, सारी बातचीत हम कर लेंगे। तो भाइयों, अगर आप भी RCB टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो इसी याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही रोजाना अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुँचते रहे। वहीं दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली RCB को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर वहां पर ज्वाइन कर लीजिए उसे भी, क्योंकि दोस्तों वहां भी आपको RCB टीम से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिलती रहती हैं। बाय चांस RCB टीम से अपडेट्स नहीं भी आते तो आपको वहां पर क्रिकेट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे, तो भाइयों उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों बात करें हम पहले खुशखबरी की, तो भाइयों पहले खुशखबरी यार यहाँ पर RCB टीम से जुड़ी देवदत्त पड्डीकल को लेकर, जो कि इस मैच में वापसी करने वाले हैं और वो पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। माइक हेसन ने भी ये क्लियर कर दिया है कि पड्डीकल जो इस मैच के सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं और हो सकता है हमें कन्फर्म रूप से खेलते हुए दिखाई दे इस मैच में। तो पड्डीकल और विराट कोहली इस मैच में हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे RCB टीम के लिए, और RCB टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है जहाँ पर दोस्तों पड्डीकल जो शानदार फॉर्म में रहे हैं पहले से ही भारतीय टीम के डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसलिए दोस्तों IPL में वो खेलना स्टार्ट कर देंगे आज के मैच से। तो ऐसे में RCB टीम के सभी फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी फैंस यही उम्मीद करेंगे कि पड्डीकल जो है RCB टीम को अच्छी शुरुआत दिलाए और अपनी पारी से टीम को मैचेस जितवाए। वहीं दोस्तों माइक हेसन ने दूसरी बड़ी खुशखबरी ये दी है कि केन रिचर्डसन और एडम जेम्पायर दोनों ही खिलाड़ी जो है इस मैच से तो नहीं बल्कि RCB टीम के तीसरे मुकाबले से पूरी तरह से अवेलेबल रहने वाले हैं। वो RCB टीम के ट्रेनिंग कैंप से ज्वाइन हो जाएंगे कुछ ही दिनों बाद अपना क्वारंटीन पीरियड खत्म करके, जिसके बाद जो है तीसरे मुकाबले के लिए वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे, जहाँ पर दोस्तों इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को भी मौका दिया जा सकता है तीसरे मैच में। एडम जेम्पायर जो कि शानदार लेग स्पिनर है, वहीं दोस्तों केन रिचर्डसन T20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाजों में से एक हैं जो कि अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं T20 जैसे फॉर्मेट में। इसलिए दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी जो RCB टीम के लिए काफी अहम होने वाले हैं और तीसरे मुकाबले से पहले टीम को ये ज्वाइन कर लेंगे, प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे ट्रेनिंग कैंप में। तो भाइयों ये थी कुछ बड़ी खुशखबरी, कुछ बड़ी अपडेट्स RCB टीम से जुड़ी हुई जो कि माइक हेसन ने दी है और मैंने आपको बताई है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।